रात्रि बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। आपदा प्रभावितों का हाल जानने मैक्स हॉस्पिटल पहुँचे सीएम धामी। पुलिस ने रिजॉर्ट में फायरिंग करने के मामले में सुरक्षा कर्मी को किया गिरफ्तार। अल्मोड़ा जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर काशीपुर में कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि। एक ऑल्टो कार से 10 पेटियों में 120 बोतल अवैध देसी शराब बरामद। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर में आज नवचेतना भवन में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर उनको याद किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकारी महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन, अन्य पदाधिकारी सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मैक्स अस्पताल में भर्ती आपदा प्रभावितों का हालचाल जाना एवं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इस दौरान उनके साथ कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। काशीपुर के आईजीएल कंपनी में कार्यरत प्रशांत मिश्रा कल शाम जब घर लौट रहे थे तो बाजपुर रोड स्थित फायर ब्रिगेड के कार्यालय के सामने एक वाहन से उनकी बाइक टकरा गई, जिस कारण वे अपनी बाइक से नीचे गिर गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोतवाली पुलिस ने एक रिजॉर्ट में तैनात सुरक्षा कर्मी द्वारा नशे की हालत में फायरिंग कर हंगामा करने के मामले में सुरक्षा कर्मी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई के साथ ही उसके पास से जब्त की गई दो नाली बंदूक का लाइसेंस उत्तराखंड में मान्य नहीं था। मामले में पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दो नाली बंदूक के साथ ही 8 जिंदा कारतूस बरामद कर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की। काशीपुर में महाराणा प्रताप चौक के ऊपर बने फ्लाईओवर एवं सर्विस रोडों का कार्य पूरा हो चुका है, परंतु काशीपुर में सुबह हुई बारिश के बाद नवनिर्मित सर्विस रोड पर पानी भर गया, जिससे लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर लगातार बढ़ती बारिश के चलते अब तराई क्षेत्र में भी नदियों का जल स्तर बढ़ता नजर आ रहा है। साथ ही काशीपुर की ढेला नदी भी उफान पर बह रही है, जिससे आसपास के ग्रामीणों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपान नमकीन। आप लोगों को करीब लाए। जिलाधिकारी अल्मोड़ा बन्ना सिंह द्वारा मल्ला महल के कायाकल्प कार्यों की समीक्षा बैठक की गई, जिस दौरान बैठक में विषय विशेषज्ञ टीम के साथ वार्ता कर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य को समय से पूरा करने के लिए दिशा निर्देश दिए। साथ ही निर्माण कार्यों की टेंडरिंग प्रक्रिया को सप्ताह भर में पूरा करने की बात कही। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आज राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े व पूर्व प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू सहित संगठन के बड़े नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश में संगठन को लेकर चर्चा की गई। एसएसपी अल्मोड़ा प्रदीप कुमार राय द्वारा जनपद के समस्त थाना चौकी प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थ तस्करी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के सख्त निर्देश पर चेकिंग के दौरान लंगड़ा क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एक ऑल्टो कार में एक व्यक्ति के कब्जे से 10 पेटियों में 120 बोतल अवैध देसी शराब बरामद करते हुए उसे गिरफ्तार कर थाना लंगड़ा में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।